मस्जिद के अंदर की एंट्री खोल दी गई है जी, मैं भी ट्राई मारता हूँ अगर जाने दे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद बिलाल भाई मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ कंप्लीट मस्जिद। अभी मैं पैदल आ रहा हूँ, दूर से वो आपको दिखाता जाता हूँ मैं इंशाल्लाह। सारी सूरत चारों तरफ मस्जिद, जहाँ जैसा भी ज़ियारत नसीब होगी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस मस्जिद के मतलब भाई मैं आपको बताता चलूँ, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही चहीते और प्यारे सहाबी, उनकी ये मस्जिद है। आपको जो आपके आका थे, जो आपके बादशाह थे, जिसके आप ग़ुलाम थे, वो उसको जब पता चला है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनको उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका दीन अख्तियार करना चाहते हैं, तो उसने आप पर फिर सख्तियाँ शुरू कर दी। वो सब भाइयों को आपको पता होगा वो सख्तियाँ कैसी थी, गर्म रेत पर उनको लिटाते थे, सख्त काम करवाते थे, 24-24 घंटे उनसे आटा पीसने वाली चक्की चलवाते थे। तो नबी पाक सल्लम ने फिर फरमाया था कि ये बिलाल को कौन आज़ाद कराएगा, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फिर उस वक्त में बहुत से पैसे और सोना वगैरह देकर आपको इससे आज़ाद करवाया था, उस जो वो आका था जो आपका हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो फिर आज़ाद करवाया था, नबी पाक सल्लम की खिदमत में पेश किया था। तो आप फिर सारी उम्र नबी पाक सल्लम की खिदमत में रहे हैं। आपके वसाल के बाद फिर काफ़ी अरसा बाद आपकी वफ़ात हुई थी। तो अभी मैं मस्जिद आपको दिखाता चल रहा हूँ भाई कम्प्लीट। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैं आज आपको मस्जिद बिलाल दिखाऊँगा मदीना शरीफ से, लाई मदीना शरीफ से, यानी कि गुंबद खजरा से ये कितने फासले पर मौजूद है, और मस्जिद बिलाल बिल्कुल आपको चारों तरफ से और जितना मेरे से हो सका उतनी ही ज़्यारत आपको कराऊंगा। ये अभी मैं मस्जिद बिलाल से काफ़ी दूर खड़ा हुआ हूँ, ये देख लें आप, ये मस्जिद बिलाल है जी। मैं आपको नज़दीक जाता चाहता हूँ, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको बताता जाता हूँ, और इसके करीब जाकर आपको मुकम्मल ज़्यारत कराऊँगा इसकी इंशाल्लाह जी। तो ये मस्जिद बिलाल के करीब चले गए हम, देख लें कबूतर माशाल्लाह इधर बहुत तादाद में मौजूद हैं, और ये इंसानों से ऐसे आदि हो गए हैं कि अभी ये उड़ते उड़ते नहीं है, बस आगे आगे ऐसे इधर उधर हो जाएंगे, बस यही है, देख लें। अभी हम नज़दीक चले गए हैं, अभी और ये रोड क्रॉस करेंगे, नज़दीक जाएंगे, देखेंगे मस्जिद के अंदर जाने देते हैं नहीं। जिस वक्त नज़दीक आ गए हूँ जी मस्जिद के, देख लें आप, तो मस्जिद तो बंद है, देखें आप आदमी बाहर खड़े हुए हैं, तो खोली नहीं गई है इस वायरस के चलते हुए, मस्जिद बंद है। तो आदमी इधर जुमा की नमाज़ गालबन होगी, जैसा कि लोगों ने ये अपने जाए नमाज बिछाए हुए हैं बाहर ही, तो देखते हैं अभी। तो मस्जिद के चारों तरफ से भी आपको मैं दिखाता हूँ जी, बिलाल न्यू मार्केट नीचे बेसमेंट में वो जाने दे रहे हैं आदमियों को, वो भी 5-7 आदमी लेके जाता है, फिर 10 मिनट बाद वो आदमी नीचे लेके जाते हैं। अभी अजान होगी जुमे की, जितने तो मस्जिद तो बंद कर दी गई जी, मस्जिद बिलाल देख लें आप, इंटर होने का तो चक्कर ही नहीं है, तो नीचे ये सूख खोल दिया गया, तो ये देख लें जी आप माशाल्लाह। हाँ सोनी लग दी पई, ये तो मस्जिद के चारों तरफ से मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी कि शायद कहीं जगह मिल जाए नमाज के लिए। तो अंदर जाने का वो तो जा रहे हैं आदमी एक जगह से अंदर, लेकिन रश बहुत है, तो इस वायरस के चलते हुए इस इतने रश में भाई फिर अच्छी बात नहीं है, ऐसे वो कोई पकड़ेंगे या कुछ जुर्माना करेंगे या आदमी को, अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल करना चाहिए, इतना रश नहीं डालना चाहिए।